तो दोस्तों सुनिए, हम बात करने वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के बारे में। रेचुअल के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.2-0.3% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें गिरावट, और इसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी 3,000 रुपीज़ के अराउंड से जो करेक्शन स्टार्ट किया था वो हमें अच्छा खासा यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिला। टॉप लेवल से 3,000 से स्टॉक जो है वो गिरते गिरते ऑलमोस्ट 28 हंड के नीचे निकल गया, और 28 हंड के नीचे निकलने के बाद कोई फर्दर सेलिंग नहीं आई। एक दो दिन स्टॉक जो है वो गिरा और उसके बाद यहाँ पर हमें रिकवरी स्टार्ट होती हुई देखने को मिल गई। एंड रिकवरी सिर्फ HUL के अंदर नहीं, रिकवरी ओवरऑल FMCG सेक्टर के अंदर हमें चलती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर मान लो अब यहाँ पर फ्राइडे तक HUL क्या करता है, 2800 के ऊपर निकल कर अगर पॉजिटिव क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो जिसने भी 2800 रुपीज़ के नीचे अगर मान लो HUL को सेल किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड जैसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग होगी मार्केट में बाइंग आएगी, और अगर बाइंग आई तो काउंटर यहाँ से जो है वो वापस से शूट अप कर जाएगा 29 से लेकर अगेन हमें 3,000 तक की भी अपसाइड शायद से देखने को मिले।